आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पीएम मोदी आज ठाणे और दीवा को जोड़ने वाली रेलवे लाइन का करेंगे उद्घाटन। हिजाब विवाद पर आज फिर होगी कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई। पंजाब में आज थमेगा चुनाव प्रचार का शोर, आखिरी राउंड की टक्कर से पहले ढाबे पर खाना खाते दिखे राहुल। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कानपुर और जालौन के माधवगढ़ में चुनाव प्रचार करेंगे। उनसठ सीटों पर आज थमेगा प्रचार, अखिलेश की सीट करहल पर योगी दिखाएंगे दम। अवध बुंदेलखंड में दिग्गजों की होगी भिड़ंत। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। यूके बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हम उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से निपटने के बाद अब भाजपा नेता चुनाव प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश की राह पकड़ेंगे। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को दिल्ली पहुंच गए, जल्द ही वो बतौर स्टार प्रचारक भी अब उत्तर प्रदेश के दौरे पर जा सकते हैं। इधर प्रदेश भाजपा में चुनाव ड्यूटी के मद्देनजर 80 कार्यकर्ताओं की सूची केंद्रीय नेतृत्व को भेजी है। कार्यक्रम तय होने के बाद ये टीम प्रदेश महामंत्री संगठन अजय और प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जाएगी। मतदान के बाद से ही कांग्रेस लगातार अच्छे प्रदर्शन की बात कहते हुए सरकार बनाने का दावा भी करने लगी है। इसके साथ ही पूर्व सीएम हरीश रावत ने खुद को मुख्यमंत्री के रूप में भी प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया है। अब कांग्रेस को स्ट्रांग रूम की निगरानी को लेकर भी चिंता सताने लगी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोतियाल ने इंटरनेट मीडिया के जरिए पार्टी के सभी जिला अध्यक्ष और उम्मीदवारों से अपील करते हुए कहा कि परिणाम वाले दिन यानी 10 मार्च तक स्ट्रांग व मतगणना स्थलों की निगरानी की जाए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। राजनीति के दिग्गज हरीश रावत जनता के बीच पहुंचने का कोई मौका नहीं छोड़ते। दरअसल हरीश रावत हल्द्वानी के एक टी स्टॉल पर पहुंचे, जहां उन्होंने खुद से बंद मक्खन में अपना मक्खन लगाया। वहीं पान की दुकान पर पहुंचकर खुद पान लगाया तो कभी कभी चाय की दुकान पर चाय भी बनाई। हरीश रावत के साथ हल्द्वानी से कांग्रेस उम्मीदवार सुमित हृदयेश और कांग्रेस कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहे। यूथ ओलंपिक 2018 में देश को स्वर्ण पदक दिलाने वाले युवा धावक सूरज पवार 4 व 5 मार्च को ओमान की राजधानी मस्कट में आयोजित होने वाली वर्ल्ड रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में प्रतिभाग करेंगे। उनका लक्ष्य इस प्रतियोगिता से एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स का टिकट पाना है। सूरज का कहना है कि सीनियर वर्ग में देश के बाहर ये उनका पहला टूर्नामेंट है, ऐसे में वहां के मौसम की परिस्थितियां प्रदर्शन में काफी मायने रखेंगी। वह इस दौरान सूरज ने कहा कि मस्कट के बाद झारखंड की राजधानी रांची में भी एक प्रतियोगिता होनी है, उससे भी एशियन गेम्स व कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई किया जा सकता है। देहरादून में जिन कर्मियों की ड्यूटी चुनाव में लगी है उनके पास निगरानी नहीं करने का बहाना था, वहीं जो लोग चुनावी ड्यूटी में नहीं थे वो मैन पावर को कमी का बहाना बनाकर सड़कों की तरफ देखने तक नहीं गए। अब मतदान होने के बाद भी अधिकारी चुनावी मोड से बाहर आने को तैयार नहीं है। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने जब सड़कों का हाल देखा तो उनका पारा चढ़ गया। जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने क्रॉस रोड्स मॉल की सड़कों का निरीक्षण किया है। अलग है और फील्ड में जब तक हम लोग आगे नहीं देखेंगे, मॉनिटर नहीं करेंगे फील्ड लेवल पे, तो कोई प्रोग्रेस आने वाला नहीं है और अल्टीमेटली पब्लिक को नुकसान होने वाला है। तो इनको पूरे मामले को गंभीरता से लेने के लिए मैंने कहा है और उनको वार्निंग भी दी है कि जो काम रात को किया जा सकता है वो रात को करें, काम और कुछ भी हो सके और
जहाँ पे भी ये गड्ढे खोद रहे हैं वहाँ पे टाइमली भर रहे ताकि जिस समय मैच यहाँ पे ट्रैफिक की आवाजाही। देहरादून में खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग का अभियान जारी है, जिसके तहत खाद्य निर्माण इकाइयां विभाग के अब निशाने पर हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पटेल नगर इंडस्ट्रियल एरिया में तेल निर्माता और रैपेकिंग यूनिट में छापेमारी की। इस दौरान कई स्तर पर कमियां मिलने पर 4 इकाइयों को नोटिस भी जारी किया गया। वहीं खाद्य तेल के 8 सैंपल जाँच के लिए रुद्रपुर लैब भी भेजे गए हैं। तो आपको बता दें कि इंडस्ट्रियल एरिया में तेल निर्माता और रैपिकिंग यूनिट में खाद्य विभाग की बड़ी छापेमारी देखने को मिली है। इस दौरान कई स्तर पर कमियां मिलने के बाद 4 इकाइयों को नोटिस भी जारी किया गया है। वहीं खाद्य तेल के सैंपल्स को रुद्रपुर लैब भेजा गया है। इसमें कुल 8 सैंपल जाँच के लिए लिए गए हैं, जिन्हें रुद्रपुर लैब भेजा गया है। तो खाद्य विभाग की ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें रुद्रपुर लैब भेजे गए हैं खाद्य तेल के 8 सैंपल्स। सभी सैंपल्स को जांच के लिए तो आपको बता दें कि खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पटेल नगर इंडस्ट्रियल एरिया में बड़ी कार्रवाई करते हुए तेल निर्माता और रैपेकिंग यूनिट में छापेमारी की है। इस दौरान कई स्तर पर कमियां मिली हैं और कमियां मिलने पर 4 इकाइयों को नोटिस भी जारी किया गया है, जिसके बाद खाद्य विभाग की टीम ने खाद्य तेल के सैंपल लेके उन्हें रुद्रपुर लैब जांच के लिए भेजा है। कुल 8 सैंपल वहां से जब्त किए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए रुद्रपुर लैब भेजा गया है। तो आपको बता दें कि ये कार्रवाई देहरादून में की गई है और ये मिलावट के खिलाफ कार्रवाई की गई है और यह अभियान खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से चलाया गया है, जिसमें लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में सुरक्षा विभाग की टीम ने पटेल नगर इंडस्ट्रियल एरिया में भी छापेमारी की है। वहीं इस कार्रवाई के दौरान तेल निर्माता और रैपिकिंग यूनिट में छापेमारी की इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। खबर कलियर से है, जहां एक खेत में मादा गुलदार का शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना वन विभाग के कर्मचारियों को दी गई है। किसानों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों ने गुलदार के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो आपको बता दें कि कलियर के एक खेत में गुलदार का शव मिलने से सनसनी मच गई, जिसकी सूचना खेत में काम करने पहुंचे किसान ने वन विभाग को दी है। इसकी सूचना मिलते ही तत्काल वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने गुलदार के शव को कब्जे में ले लिया है, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने पोस्टमार्टम के लिए गुलदार के शव को भेज दिया है। हल्द्वानी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता की। यहां उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का लोकतंत्र पर्व अब समाप्त हो गया है और इस पर्व को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका रही है। हम आभार व्यक्त करते हैं उन मतदाताओं का जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस बार के चुनावों में मतदान किया है। वह इस दौरान सुरेश भट्ट ने बताया कि जिस प्रकार से इस बार मतदाता प्रतिशत बढ़ा है, लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी के प्रति दिखाई दे रहा है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आगामी 10 मार्च को कौन जीतने वाला है। कांग्रेस यानी जो अपने आप का दावा करती है कि हम देश की इतनी पुरानी पार्टी है, उनको भारत की मेगा पर, भारत की तकनीकी पर, भारत के लोगों पर कोई विश्वास नहीं है, तो वो इस काम को कर सकते हैं। और ये चूंकि उनका पुराना ट्रेंड है, जहाँ थोड़ा भी गड़बड़ हुई तो वहाँ वो ईवीएम की गड़बड़ी, जहाँ उनके अनुकूल होता है तो वहाँ ईवीएम ठीक, जहाँ उनके प्रतिकूल होता है वो तो ईवीएम की गड़बड़ी। इस बात को कहते हैं ईवीएम न तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, न मोदी जी ने बनाई है। ईवीएम
हमारे इस देश के तंत्र वैज्ञानिक जो हमारे टेक्नोलॉजी में काम करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के द्वारा ईवीएम बनाई गई और बार बार इस बात के इन प्रश्नों का समाधान चुनाव आयोग ने किया है। और इस बार तो वीवीपैट की सुविधा सब जगह दी गई थी कि हर व्यक्ति तय कर ले कि मैंने जिसको वोट दिया है वो वोट उसी को जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जनता ने अपना निर्णय ईवीएम में डाल दिया, 10 तारीख को पता लग जाएगा। हाँ, लोगों का माहौल जिस प्रकार से लोगों ने मत दिया है, जिस प्रकार से लोगों का माहौल था, जिस प्रकार से मातृशक्ति ने वोटिंग की है, उससे हम आश्वस्त हैं कि हम पुनः सरकार बना रहे। के बीच झगड़े में एक युवक के ऊपर गोली चला दी गई थी जिससे वो घायल हो गया था। वहीं खानपुर थाना अध्यक्ष संजीव धपलियाल ने बताया है कि अजीत कुमार का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है और आरोपी घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। आगे थाना अध्यक्ष ने बताया कि इस मामले में मुकदमा भी दर्ज किया गया था। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार एक पुलिस टीम का गठन भी अब किया गया है। तो आपको बता दें कि लक्सर में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई जिसमें एक युवक पे गोली चल गई। इस दौरान पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए एक टीम का भी गठन किया है। हरिद्वार में वन विभाग बहदराबाद शाखा की ओर से अवैध खनन को लेकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है जिसके चलते अवैध खनन में लिप्त ट्रैक्टर ट्रॉली डंपर सहित कई वाहनों को सीज करने की भी कार्रवाई की गई है। इस क्षेत्र में इस समय खनन प्रतिबंधित है, उसके बावजूद खनन माफियाओं की तरफ से अवैध खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।